हाय फ्रेंड्स, आई एम वंदना मुखर्जी। वेलकम टू वंदनास किचन। आज हम बनाएंगे खट्टा मीठा आम की अचार। ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये रेसिपी बच्चे बड़ों सबकी पसंद है। खट्टा मीठा आम की अचार रोटी के साथ, गर्मा गर्म चावल के साथ ले सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। तो चलिए खट्टा मीठा आम की अचार बनाने के लिए क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। सबसे पहले कच्चा आम 400 ग्राम ली है। इसको बीज निकल के, छिलका निकल के छोटे छोटे पीसेस में हम काट के रखे हैं। शक्कर ली है 300 ग्राम। क्योंकि कच्चा आम 400 ग्राम होगा तो इसमें बीज और छिलका निकल के 100 ग्राम तो निकल जाते हैं, इसलिए 300 ग्राम जो बचे रहते हैं 300 ग्राम शक्कर ली है। ऐसे 500 ग्राम आम होगा तो 400 ग्राम शक्कर होगा। बस नमक स्वाद अनुसार, रेड मिर्च पाउडर 1 चम्मच रखे हैं, हल्दी पाउडर रखे हैं और यहाँ पर काला जीरा 1/2 चम्मच, मेथी 1/2 चम्मच और सौंफ 1/2 चम्मच, तीनों मिला के हम रखे हैं। तीनों मिला के 1 चम्मच बड़ा चम्मच की होगा। एक साथ तीनों को जॉइन करके बड़ा चम्मच की 1 चम्मच। तो चलिए हम आम की अचार बनाएंगे। सबसे पहले गैस ऑन करते हैं और एक कढ़ाई ले लिया। ये जो रखे हैं मेथी, सौंफ और काला जीरा 1/2 चम्मच करके, थोड़ा थोड़ा सा लेकर फुल 1 चम्मच होगा बड़ा चम्मच की, यही हम सूखा इसको रोस्टेड बनाएंगे। ये रोस्टेड हो गया, ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, ये जल जाएगा। तो थोड़ा सा हल्का भून के ये हम कटोरी में निकाल देते हैं। देखिए ये जो कड़ा है एल्युमिनियम का, ये हम अचार के लिए यूज़ करते हैं। नॉनस्टिक जो कड़ाई होते हैं उसमें जल्दी ग्रेवी सूख जाते हैं तो अचार जल भी सकते हैं, इसलिए यही कड़ाई हम यूज़ करते हैं। गैस ऑन कर देते हैं। कढ़ाई भी ले लिया और आम जो है ये हम डाल देते हैं। नमक स्वाद अनुसार, रेड मिर्च पाउडर जो रखे हैं 1 चम्मच, ये भी डाल देते हैं। हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच ली है। शक्कर भी हम मिला देते हैं। फिर इसको एक साथ मिला देते हैं। ये बहुत आसानी से हो जाते हैं, धूम में देने की ज़रूरत भी नहीं है। थोड़ा शक्कर पक जाएगा, ये जो रस है वो निकल जाएगा। ये धीरे धीरे शक्कर मेल्ट होते हैं और आम भी पकेगा। देखिए शक्कर धीरे धीरे मेल्ट हो जाते हैं और भी होगा और कच्चा आम भी साथ बे साथ पक जाते हैं। देखिए
ये शक्कर गल गया और ये जो कच्चा आम धीरे धीरे पक जाएगा। आम जब थोड़ा गल जाएगा, हम देखेंगे आम गल जाएगा तब हो इसको पूरा रेडी हो जाते हैं। देखिए आम फूल भी गया और पक भी गया, एकदम गल गया, तो समझना होगा ये रेडी हो गया। फिर इसके बाद हम यही जो रोस्टेड करके रखे हैं वो डाल देते हैं। फिर हम मिला देते हैं अच्छा से, ये रेडी हो गया। गैस बंद कर देते हैं। ये आम का जो खट्टा मीठा अचार है, आप जो जार में रखेगा कांच की बढ़ली में तो बहुत ही अच्छा रहेगा, सालों सालों भर रह जाएगा, और प्लास्टिक जार में नहीं अच्छा रहते हैं, बाद में ख़राब हो जाते हैं। इसको धूप में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, इंस्टेंट खट्टा मीठा आम की अचार है, और खा कर देखिए बहुत ही टेस्टी है। ये मेरा मम्मी की रेसिपी है, ठीक है। खट्टा मीठा आम की अचार रेडी हो गया। सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूले, कमेंट करने भी ना भूले।